जय श्री राधे बंधुओं, आप जानते हैं कि शरीर में 40 साल के बाद अनेक रोग आने लगते हैं और कम से कम शरीर में यूरिक एसिड तो अवश्य ही बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर 40 साल के बाद में हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो काम करने में असमर्थ होने लगते हैं, तो यूरिक एसिड सबसे पहले बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो जिस आदमी का अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो वो समझें कैसे कि यूरिक एसिड बढ़ गया है। तो यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो उसको समझने के लिए आपको देखना है कि आपके जो पैर हैं, ये जो एरिया है वो सूजने लगता है, और आपकी जो पैर के नीचे की जो नसें हैं पंजे की ऊपर की, वो तनने लगती हैं, खिंचने लगती हैं ऊपर की साइड में, ऐसे सतर हो जाती हैं। और रात में जब आप सोते हैं तो आपको बहुत दर्द होता है, और आप गाड़ी वगैरह में बैठते हैं तो आपके पैर सूज सकते हैं, कुर्सी पर बैठने से सूज सकते हैं, ये उसके चिन्ह हैं। तो आप यूरिक एसिड को कैसे सरलता से बिना दवा के सही कर सकते हैं, तो उसके लिए सरल उपाय है कि आप एक तो प्रोटीन ना लें, यानी कि दाल वगैरह कुछ ना खाएं, प्रोटीन का सामान ना खाएं, इतना परहेज करें, और हरी सब्जियां जो हैं उन्हें सलाद के रूप में खाना शुरू कर दें। एक संतरा रोज़ सुबह खाएं खाली पेट, और सलाद के रूप में हर सब्जी को काट के कच्चा खाएं, और पानी की मात्रा खाली 2 गिलास बढ़ा दें। आपका 15 दिन में यूरिक एसिड पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा और 1 महीने में पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। ये उपाय करने से आप बढ़े हुए यूरिक एसिड को तत्काल बिना दवा के घटा सकते हैं, और ये नॉर्मल उपाय है। इस उपाय को करने से आपको यूरिक एसिड के साथ साथ अनेक लाभ भी प्राप्त होंगे। धन्यवाद।